हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं कंप्यूटर लूसेंट का आपको चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड नंबर सिस्टम, ये आज हम चालू करेंगे। तो देखिए, बिना टाइम वेस्ट करते हैं हम वीडियो को स्टार्ट। देखिए, इंट्रोडक्शन से पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। किसका? डेटा रिप्रेजेंटेशन, कि डेटा हमारे कंप्यूटर में कैसे रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, डेटा रिप्रेजेंटेशन इज अ मैथड टू रिप्रेजेंट डेटा इन अ कंप्यूटर। ये क्या एक मैथड है कि हमारा जो डेटा है वो कैसे रिप्रेजेंट होता है हमारे कंप्यूटर में। इन कंप्यूटर वी एंटर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डेटा। कंप्यूटर में हम बहुत सारा डेटा स्टोर, मतलब डेटा डालते हैं, तो वो डिफरेंट फॉर्म का होता है। वो अल्फ़ाबेट भी हो सकता है, वो कोई नंबर भी हो सकता है, वो कोई स्पेशल करेक्टर भी हो सकता है। तो बहुत टाइप के क्या होते हैं हमारे डेटा होते हैं, ठीक है, सच एज नंबर, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, साउंड एक्सेट्रा। ठीक है, ऑल दीज डेटा लुक डिफरेंट, और ये सारे डेटा क्या होते हैं, डिफरेंट दिखते हैं। बट इन द कंप्यूटर प्रोसेस ऑल आर इन ओनली वन फॉर्म। लेकिन अगर कंप्यूटर में जा रहा है तो कंप्यूटर में जो प्रोसेसिंग है वो तो एक ही फॉर्म में होती है, और वो कौन सी फॉर्म होती है? बाइनरी, डेट इज जीरो और वन फॉर्म, बाइनरी और डिजिटल फॉर्म। ठीक है, तो मतलब आपने कोई भी डेटा, कैसा भी डेटा आपने डाला अपने कंप्यूटर में, तो वो किस फॉर्म में जाएगा, किस फॉर्म में उसको कंप्यूटर लेगा, जीरो या वन की फॉर्म में। ईच इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर एज अ डिजिटल डेटा। ठीक है, तो जो भी इन्फॉर्मेशन होती है हमारे कंप्यूटर में वो कैसे स्टोर होती है? डिजिटल डेटा, डेटा की फॉर्म में। ठीक है, जनरली वी यूज डिजिटल नंबर सिस्टम। जनरली हम कौन सा नंबर सिस्टम यूज करते हैं? डेसिमल में क्या होता है? 0 to 9। ठीक है, जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 सारे नंबर आ जाते हैं, 0 to 9 नंबर्स। ठीक है, विच विद द हेल्प ऑफ 0 to 9 रिप्रेजेंट एनी नंबर। ठीक है, बट इन अ कंप्यूटर एनी नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ 0, 1। लेकिन कंप्यूटर में सारे जो नंबर्स हैं, जो 0 to 9 नंबर्स हैं, वो किसके कॉम्बिनेशन में स्टोर होते हैं? 0 और 1 के कॉम्बिनेशन में। यहाँ पे कंप्यूटर में 1, 2, 3, 4 ये सब नहीं होता। ठीक है, ये नंबर किस फॉर्म में होते हैं? सब सारे नंबर 0 और 1 की फॉर्म में। तो देखिए, दीज आर द नंबर सिस्टम यूज इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में कुछ नंबर सिस्टम होते हैं जो यूज होते हैं, जैसे कि बाइनरी नंबर सिस्टम होता है यूज, ऑक्टल होता है, और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, ये 3 नंबर सिस्टम है जो यूज होते हैं। अब देखिए, हम एक एक करके सबको पढ़ते हैं। देखिए, बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है? इन द बाइनरी नंबर सिस्टम देयर आर ओनली 2 पॉसिबल वैल्यूज। इसमें सिर्फ 2 पॉसिबल वैल्यूज होती है, कौन सी? 0 and 1, विच रिप्रेजेंट द ऑन एंड ऑफ। 0 मतलब ऑन एंड 1 मतलब ऑफ। ठीक है, स्टेट इलेक्ट्रिक पल्स इन अ सर्किट। दीज 0 and 1 बाइनरी डिजिट ईच इज कॉल्ड अ बिट। तो ये 0 है, ये क्या है? 1 बिट। ये 1 है, ये भी क्या है? 1 बिट। और जब ये 8, जैसे 0, 1, 0, जैसे ये 8 बना लेते हैं टोटल, 0, 1, 1 कुछ भी, ये जैसे कोई भी हो, कुछ भी 0 या 1 में से। ठीक है, तो जब ये 8 हो जाते हैं, 4 और 4 ये 8 हो जाते हैं, तो क्या बनता है? ये पूरा 1 बाइट। क्या बनता है? ये 1 बाइट। और जिस बाइट में एक एक, जैसे 0 है, ये 1 है, ये क्या है? 1 बिट। ठीक है, तो मतलब अपन ये कह सकते हैं कि 8 बिट से क्या बनता है? 1 बाइट। दीज 0 and 1 बाइनरी डिजिट इज कॉल्ड अ बिट। दीज नंबर सिस्टम इज यूज बाय कंप्यूटर टू डेटा प्रोसेस एंड स्टोरेज। ठीक है, और यही प्रोसेस किस में यूज होता है? डेटा प्रोसेस में और स्टोरेज में नंबर सिस्टम यूज करता है कंप्यूटर। ठीक है, ऑन मतलब 1, ऑफ मतलब 0। ठीक है, इन डेसिमल नंबर सिस्टम देयर इज अ बेस ऑफ 10। डेसिमल नंबर सिस्टम में कितना बेस होता है? 10 का। ठीक है, बिकॉज देयर आर 10 पॉसिबल डिजिट, क्योंकि इसमें 10 पॉसिबल डिजिट हो सकती है, 0 to 9। ये टोटल कितनी हो गई? 10 डिजिट। तो बेस कितना होता है? 10। ठीक है, ईच डिजिट इन अ डेसिमल नंबर हैज अ प्लेस एंड दैट इज कॉल्ड अ प्लेस वैल्यू। हर एक की प्लेस होती है और उसे क्या कहते हैं? प्लेस वैल्यू। सच एज अ डेसिमल नंबर 17, जैसे कि 17 प्लेस वैल्यू, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? 1 and 10 एंड 7 is 1। ठीक है, मतलब 1 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 10, और 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 1। बट इन द बाइनरी नंबर सिस्टम, क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम देयर इज अ बेस 2, बेस क्या चलता है? 2, क्योंकि 2 ही डिजिट होती है, 0 और 1। बिकॉज दीज आर अ पॉसिबल 2 डिजिट, क्योंकि कितनी पॉसिबल डिजिट्स होती है? ओनली 2 डिजिट, दैट इज 0 and 1। ईच डिजिट पोजिशन इन अ बाइनरी नंबर रिप्रेजेंट अ पावर ऑफ 2। इसलिए क्या, कितनी पावर दिखाते हैं? 2 की पावर।
सो वेन वी राइट अ बाइनरी नंबर, तो जब भी अपन वो बाइनरी नंबर लिखते हैं, ईच बाइनरी डिजिट इज मल्टीप्लाइड बाय अप्रोप्रिएट पावर, तो हर जो बाइनरी डिजिट है वो एक अप्रोप्रिएट पावर से क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है. कन्वर्जन, अब कन्वर्जन देखते हैं हम डेसिमल टू बाइनरी. जो भी थ्योरी है ना ये आपको अब कन्वर्जन में समझ में आ जाएगी. और भी अच्छे से देखिए, टू कन्वर्ट अ डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली डिवाइड अ डेसिमल वैल्यू बाय टू. हर वैल्यू को किसे डिवाइड करना होता है, टू से. देन राइट डाउन द रिमाइंडर, वी रिपीट दिस प्रोसेस अंटिल कैन नॉट डिवाइड बाय टू एनी मोर. ठीक है, जब तक पूरा कंप्लीट डिवाइड नहीं होता तब तक हमको डिवाइड करना होता है. नेक्स्ट देखते हैं, देखिए जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमें कन्वर्ट करना है 35 बेस कितना है 10, मतलब ये किस में हो गया, डेसिमल में. ठीक है, मैंने आपको बताया था जिसका बेस 10 हो उसका वो क्या है, डेसिमल. अब इसको किस में करना है, बाइनरी में, क्योंकि डेसिमल नंबर लेता नहीं है कंप्यूटर, तो हमको किस में करना, कन्वर्ट करना पड़ेगा बाइनरी में. तो कैसे करेंगे, 35 को 2 से डिवाइड लगाते हैं. देखो जब 2 को 35 से डिवाइड किया तो कितना आया, 17. ठीक है, 34 टाइम्स करेंगे तो कितना आएगा, 17. तो 1 रिमाइंडर बच गया हमारा ऐसे ही. अब 2 को 17 से करेंगे तो 8 आया, 1 वापस रिमाइंडर बच गया. 2 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 4 आया, 4 में अब 0 रिमाइंडर बच गया. ठीक है, 2 को फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आया और रिमाइंडर वापस से 0 बच गया. 2 को जब 2 से करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा और रिमाइंडर वापस से 0 आ जाएगा. अब क्या करेंगे, हम इसको नीचे से ऊपर लिखेंगे. ठीक है, तो नीचे क्या है, 1 सबसे पहले क्या है, 1 फिर 0 0 0 1 1. ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया. और इसकी क्या हो जाएगा, बेस 2, क्योंकि किस में आया है, हमारा बाइनरी में. ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन. अब देखते हैं हम बाइनरी और डेसिमल कन्वर्जन. ठीक है, अब जैसे हमने भेज तो दिया लेकिन हमको रीड करना हो तो किस में आएगा, ये तो सारा बाइनरी में आएगा. बाइनरी में हमें समझ में ही नहीं आएगा क्या है, तो अगर हमको बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो कन्वर्ट द बाइनरी डेसिमल वी इम्प्लाई मल्टीप्लाई द डिजिट्स ऑफ द बाइनरी वैल्यू. हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना बाय इट्स प्लेस वैल्यू से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. देन एड इट्स वैल्यू, वी गेट द मल्टीप्लिकेशन, और फिर ऐड करना पड़ेगा. अब देखिए कन्वर्ट बाइनरी को डेसिमल में करना है. ठीक है, तो देखिए पहले हमने बाइनरी नंबर लिख लिया पूरा हमारा. अब इसकी प्लेस वैल्यू लिखी, देखिए इसकी 0 है, ये 1 प्लेस पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है, ये 4 पे है और ये 5 पे है. ठीक है, अब 2 की बेस वैल्यू के ऊपर ये लगा दिया हमने, 2 0 पे, 2 1 पे. अब 2 की पावर 0 कितना होता है, 1. 2 की पावर 1 डेट इज 2. 2 की पावर 2 मतलब 4. 2 की पावर 3 मतलब 8. 2 की पावर 4 मतलब 16 और 2 की पावर 5 मतलब 32. ठीक है, अब जो भी हमारा नंबर था, नंबर था हमारे जैसे 100011. ठीक है, तो इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है सारी पावर्स के साथ. ठीक है, जहाँ पे 1 1 होगा ऑब्वियस ही बात है वो नंबर लिखा जाएगा. तो यहाँ पे 1 था तो ये नंबर लिखेगा, यहाँ पे 0, यहाँ ये नहीं लिखा जाएगा, ये भी 0, ये भी नहीं लिखा जाएगा, ये 0, ये भी नहीं लिखा जाएगा, ये 1 है तो ये 1 का यहाँ पे लिख गया. ठीक है, और अब ये भी 0 है तो ये भी नहीं लिखा जाएगा, लेकिन ये सॉरी ये भी 1 है. ठीक है, हाँ ये भी 1 है, ये रहा 1. ठीक है, तो इसका भी यहाँ पे लिख गया. ठीक है, अब इन तीनों को प्लस कर देंगे. जैसे हमने प्लस किया तो क्या आंसर आ गया हमारा, 35. तो इसका आंसर क्या हो गया, 35 की बेस 10. ये क्या हो गया हमारा, डेसिमल में हो गया. ठीक है, तो ये तो होगा हमारा बाइनरी डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी. ठीक है, अब हम देखते हैं ऑक्टल का. देखिए ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या होता है, इन ऑक्टल नंबर सिस्टम देयर इज अ बेस 8. इसमें क्या होता है, बेस 8 होता है, बिकॉज देयर इज अ 8 पॉसिबल डिजिट, क्योंकि इसमें 8 पॉसिबल डिजिट 0 टू 7 तक. ठीक है, ईच डिजिट पोजिशन इज एन ऑक्टल नंबर, और हर पोजिशन क्या होती है, एक ऑक्टल नंबर होती है, रिप्रेजेंट अ पावर ऑफ 8 की, आप रिप्रेजेंट करती है पावर 8 की. ईच ऑक्टल डिजिट इज देन इक्वलेंट टू द बाइनरी डिजिट, इक्वलेंट टू 3 बाइनरी डिजिट, और एक जो ऑक्टल डिजिट है वो कितने की होती है, 3 बाइनरी डिजिट के इक्वल होती है. ठीक है, अब देखिए हम इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा. देखिए अब देखिए ऑक्टल नंबर है, ऑक्टल नंबर 0 टू 7 होता है, बताया था 0, तो 0 का क्या होएगा 0, 1 का क्या होएगा 1. देखिए इसमें ना ऐसे करना, 2 की पावर 0, मैं ऊपर लिख देती हूँ. देखो ये जो फर्स्ट डिजिट है वो तो क्या होएगी, 2 की पावर 0, सेकंड डिजिट है वो क्या होएगी, 2 की पावर 1, और थर्ड डिजिट क्या होएगी, 2 की पावर 2. ठीक है, ये होता है इसमें. ठीक है, अब 0 है तो तीनों पावर 0 हो जाएंगी, 1 है तो सिर्फ 1 वाला 2 की पावर 0 वही एक्टिव होएगा, 2 है तो 2 में 2 की पावर 1 यही एक्टिव होगा. ठीक है, 3 है तो 2 की पावर 1 में 1 प्लस प्लस सॉरी 2 की पावर 0 में 1 प्लस 2 की पावर 1 2. ठीक है, तो ये प्लस होकर कितना बन जाएगा, 3, तो 2 एक्टिव हो जाएंगे. 4 में, 4 में ये हो जाएगा एक्टिव, क्योंकि 2 की पावर 2 क्या होता है, 4. फिर 5 में 2 की पावर 2 प्लस कर लेंगे, प्लस क्या कर लेंगे, 2 की पावर 0. ठीक है, तो ये 5 बन जाएगा, ऐसे 6, ऐसे 7. ठीक है, तो ये बन गए हमारा, क्या हो गया ये हमारा
तीन जो बाइनरी डिजिट होती है वो एक ऑक्टल नंबर होता है, इसका मतलब ये है। ठीक, अब देखो डेसिमल टू ऑक्टल देखते हैं कि डेसिमल से ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट होता है। टू कन्वर्ट डेसिमल टू ऑक्टल वी सिंपली डिवाइड द डेसिमल वैल्यू एट। क्या करते हैं हम, डेसिमल वैल्यू एट से डिवाइड करते हैं। वी राइट डाउन द रिमाइंडर, वी रिपीट दिस प्रोसेस अंटिल द डिवाइड बाय एट एनी मोर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इससे आपको और भी अच्छा समझ में आएगा। देखिए एग्जांपल, कन्वर्ट करना है 385 की पा बेस कितना है 10, 10 मतलब डेसिमल में, डेसिमल को किस में करना है बाइनरी में। ठीक है, अब देखिए 385 है, आपको पता भी कैसे लगेगा, देखिए 385 है, 8 कभी भी ऑक्टल में नहीं आता, ऑक्टल में नहीं आता, ऑक्टल में सिर्फ 0 to 7 आता है, लेकिन ये किस में है, ये सब बाइनरी नहीं होगा, शायद इसमें ना ऑक्टल आना चाहिए। ये देखो ये एक मिसप्रिंट है, इसमें बाइनरी काट के आप ऑक्टल कर लेना, डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए डेसिमल टू ऑक्टल हम कन्वर्ट करेंगे, 8 आ रहा है, इसलिए आप समझ गए होंगे कि ये वैसे भी ऑक्टल में नहीं है, ऑक्टल में क्योंकि 0 to कितना आता है 7 आता है। तो देखिए अब क्या करेंगे, क्योंकि हमें इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, बाइनरी काट के क्या करेंगे आप ऑक्टल लिख लेना। ठीक है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 8 से। तो हमने 8 से, क्योंकि हमें डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, 2 से डिवाइड, लेकिन अब हमें किस में करना है ऑक्टल में, तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 8 से। तो 385 को हमने 8 से डिवाइड लगाया, तो कितना आया, 48 आया और 1 रिमाइंडर आया। फिर हमने वापस से 8 का 48 से डिवाइड लगाया, तो 6 रिमाइंडर, 6 बचा और 6 आंसर आया और रिमाइंडर कितना बचा, 0 बचा। ठीक है, तो अब 6 का 8 से डिवाइड नहीं लगेगा, तो इसलिए यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया 601, और किस में हो गया, ये ऑक्टल में। ठीक है, तो ये था हमारा डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। अब देखेंगे हम ऑक्टल से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें। टू कन्वर्ट द ऑक्टल टू डेसिमल वी सिंपली मल्टीप्लाई द डिजिट्स ऑफ ऑक्टल वैल्यू बाय इट्स प्लेस वैल्यू एंड देन ऐड द वैल्यू वी गेट फ्रॉम मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब देखिए कन्वर्ट करेंगे 601 की बेस कितना है 8, 8 मतलब ऑक्टल किसमें, डेसिमल में। ठीक है, तो क्या करेंगे 608 है, इसको क्या करेंगे हम, वही सेम 8 की पावर 0, 8 की पावर 1 और 8 की पावर 2। ठीक है, जहाँ पे भी 0 है वहाँ का तो कुछ वैल्यू नहीं है, तो इसको तो हटा देंगे पहले। 8 की पावर 2 को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, एंड 8 की पावर 0 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। ठीक है, तो फिर जो भी प्लस करके हुआ वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, आज की वीडियो में यही तक, होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे, और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने कंप्यूटर लूसन के 7 नंबर चैप्टर पे हम, और इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट, अब मैं अपने चैनल पे सी लैंग्वेज की सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ और MS Excel, ये दोनों मैं चैनल पे स्टार्ट करने वाली हूँ। अगर आपने मेरे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैंने पूरे लूसन की प्लेलिस्ट डाली हुई है, MS Word की पूरी प्लेलिस्ट डाली हुई है, कंप्यूटर के फंडामेंटल्स की प्लेलिस्ट डाली हुई है, सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, अगर आपको मेरा थोड़ा सा भी, मेरा जो एफर्ट्स में डाल रही हूँ वीडियोस में, अगर आपको वो अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो पे कमेंट करके मुझे बताइए, ताकि मुझे पता लगे। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो वो आप मुझसे पूछिए। बस इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।